हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा फ्रेज रिप्लेसमेंट और फिलर्स के कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस। और इस वीडियो क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं कम से कम टाइम में। तो इस पूरे वीडियो क्लास को प्लीज़ एंड तक आप देखिए, ध्यान से सारी चीज़ें सुनिए। इससे डेफिनेटली आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए ये हाईली यूजफुल रहेगी ये वीडियो क्लास, क्योंकि फ्रेज रिप्लेसमेंट और फिलर्स के क्वेश्चंस ना केवल क्लर्क एग्जाम में बल्कि बैंक पीओ एग्जाम में भी प्री और बेस दोनों ही टीयर 1 एंड टीयर 2 में ये पूछे जाते हैं, तो इनको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साइट पर आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, examinee.in। यहाँ पर आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, तो इनके थ्रू भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस, ये रियल क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ फ्रीजिंग मॉर्निंग अकम्पनीड बाई ए डेंस कवर ऑफ फॉग सेट द टोनिंग फॉर द कमिंग वीकेंड। देखिए, एक फ्रेज होता है, या इसको आप इडियम मान सकते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मान सकते हैं, सेट द टोन। सेट द टोन मतलब किसी चीज़ के लिए एक बेस तैयार कर देना, किसी चीज़ के लिए एक फाउंडेशन या ग्राउंडिंग तैयार कर देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेट द टोन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अ फ्रीजिंग मॉर्निंग मतलब बहुत बहुत सर्दी थी उस दिन, अ फ्रीजिंग मॉर्निंग अकम्पनीड बाई ए डेंस कवर ऑफ फॉग, मतलब उस दिन सर्दी भी थी और डेंस कवर ऑफ फॉग था। तो इन दोनों चीज़ों ने मिलके, देखिए एकम्पनेट बाय का मतलब है कि इन दोनों चीज़ों ने मिलके, फ्रीजिंग मॉर्निंग ने और डेंस कवर ऑफ फॉग, इन दोनों चीज़ों ने मिलके क्या किया, सेट द टोन, एक उसके लिए एक बेस बना दिया फॉर द कमिंग वीकेंड। कमिंग वीकेंड के लिए एक टोन तैयार कर दी, एक ग्राउंड बना दिया कि आगे वाला जो वीकेंड होगा उसमें भी काफ़ी सर्दी पड़ेगी, उसके लिए एक एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं सेट द टोन, इसको हम सेट द टोनिंग नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं सेट द टोन। तो यहां पर आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द जेल इज इन द न्यूज अगेन विद द फाइंडिंग ऑफ ए पिस्टल एंड सम बुलेट्स। देखिए, विद क्या होता है, विद एक प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन लगाते हैं जिसको हम जेरेंड फॉर्म बोलते हैं। तो यहां पर उस हिसाब से ये सही है, द जेल इज इन द न्यूज अगेन, जेल फिर से न्यूज में है, विद द फाइंडिंग ऑफ ए पिस्टल एंड सम बुलेट्स। किसी केस की इसमें बात हो रही है, किसी कोई केस चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसमें बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड कोई पिस्टल वहां पर मिली है और बुलेट्स मिले हैं। तो द जेल इज इन द न्यूज अगेन विद द फाइंडिंग, ये जो फ्रेज है विद द फाइंडिंग ऑफ, ये सही है, ठीक है, क्योंकि विद के बाद हम जेरेंड फॉर्म ही लगाते हैं। विद द फाइंडिंग मतलब फाइंडिंग इसमें कुछ मिला है, उसके एक्शन की इसमें बात हो रही है, फाइंडिंग एक प्रोसेस है, इसमें एक एक्शन की इसमें बात हो रही है, तो इसमें आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, द स्पेस क्रंच सिटी, एक ऐसी सिटी की बात हो रही है जहां पर जगह की कमी है, स्पेस क्रंच सिटी। स्पेस इसमें नाउन है, क्रंच इसमें एडजेक्टिव है, तो सिटी जो है वो कैसी है, स्पेस क्रंच है, वहां पर स्पेस की कमी है। द स्पेस क्रंच सिटी थ्रोज अप सेवरल स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल, मतलब स्पेस क्रंच जो सिटी है वो काफी स्टोरीज को शेयर करता है स्ट्रगल की, किसकी स्ट्रगल की, स्ट्रगल्स दैट, यहां पर दैट देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि स्ट्रगल के लिए आया है, स्ट्रगल्स दैट स्कूल्स हैव हैड पुट अप विद टू विन प्लेग्राउंड फॉर देयर स्टूडेंट्स। मतलब एक ऐसी सिटी की इसमें बात हो रही है जहाँ पर स्पेस की कमी है और काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्कूल्स, सभी स्कूल्स प्लेग्राउंड लेने के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, मैच कराने के लिए स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सफिशेंट प्लेग्राउंड्स नहीं है, वहाँ पर सफिशेंट स्पेस नहीं है। तो इस तरह की स्टोरी वहाँ पर काफ़ी चलती है उस सिटी में, जिसमें स्कूल्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है प्लेग्राउंड लेने के लिए अपने बच्चों के लिए। तो स्पेस क्रंच सिटी थ्रोज अप सेवरल स्टोरीज, देखिए ये प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं कि वो काफ़ी सारी स्टोरीज को शेयर करता है, तो स्टोरी को शेयर हम प्रेजेंट में तभी करेंगे जब पास्ट में वो चीज़ हुई होगी। तो
तो प्रेजेंट टेंस का इसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हम पास्ट में कोई चीज हो चुकी है उसको हम प्रेजेंट में बता रहे हैं, उसकी स्टोरी को हम प्रेजेंट में लिख रहे हैं क्योंकि वो पास्ट में हो चुकी है। तो यहां पर हम बोलेंगे द स्पेस क्रंच सिटी थ्रोज अप सेवरल स्टोरी ऑफ स्ट्रगल दैट स्कूल हैड टू पुट अप, दैट स्कूल हैड टू पुट अप। पुट अप का मतलब होता है किसी चीज को करना, जैसे पुट अप अ गुड फाइट, एक अच्छा संघर्ष करना, पुट अप अ गुड फाइट या पुट अप ए गुड स्ट्रगल। तो स्ट्रगल के साथ और फाइट के साथ ये पुट अप ए गुड शो भी होता है, एक्चुअली पुट अप ए गुड शो, एक सामने एक अच्छा शो रखना या सामने एक अच्छी फाइट, किसी व्यक्ति से एक अच्छी फाइट करना, पुट अप ए फाइट, ठीक है, या पुट अप ए स्ट्रगल। तो ऐसी स्टोरीज को वो सिटी बताता है जिसमें स्कूल्स को स्ट्रगल करना पड़ा था प्लेग्राउंड को लेने के लिए, अपने बच्चों को मैच कराने के लिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हैड टू पुट अप, हैड टू पुट अप, स्ट्रगल के साथ है ये। पुट अप का मतलब, एक्चुअली पुट अप का मतलब रहना भी होता है, वेयर आर यू पुटिंग अप। पुट अप विथ का मतलब सहन करना होता है, पुट अप विथ, पुट अप का मतलब रहना होता है, पुट अप का मतलब क्वेश्चन को रेज करना भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पुट अप है ये स्ट्रगल के साथ जुड़ा हुआ है, एक्चुअली पुट अप, पुट अप अ गुड स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, फाइट करना, ठीक है। तो उसके लिए ये वर्ड आ रहा है पुट अप यहां पर, हैड टू पुट अप टू, हैड टू पुट अप टू, और वो संघर्ष करना पड़ा स्कूल को किस लिए, टू विन प्लेग्राउंड्स फॉर देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के लिए प्लेग्राउंड अलॉट कराने के लिए। तो यहां पर आपका सही जो आंसर होगा दैट इज हैड टू पुट अप टू, ये इसमें सही आंसर होगा। देखिए SBI PO का एग्ज़ाम अभी जून में होने वाला है, इसके बाद IBPS PO के एग्ज़ाम्स होंगे और क्लर्क के एग्ज़ाम होंगे। इन सभी के लिए यदि आप मेरे ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहां से इन कोर्सेज को एक साल की वैलिडिटी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमोशंस रैंग हाई एज बोथ फैमिलीज वर टेकन टू द पुलिस स्टेशन लास्ट नाइट, जब दोनों फैमिलीज को पुलिस स्टेशन ले जाया गया लास्ट नाइट, पिछली रात जब दोनों फैमिलीज को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उस समय क्या हुआ, इमोशंस रैंग हाई। काफ़ी इसमें कोई केस है या कोई इशू है उस वजह से दोनों फैमिलीज को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है इंटरोगेशन के लिए, ठीक है। तो फैमिलीज चूंकि इन्वॉल्व हैं और फैमिलीज के साथ इन्वॉल्व होते हैं इमोशंस, ठीक है, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो इमोशंस के साथ, वो इमोशनल रिलेशंस के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो डेफिनेटली किसी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो डेफिनेटली इमोशंस वहां पर इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसमें हम रैंग नहीं बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे इमोशंस रैन हाई, इमोशंस रैन हाई मतलब वहां पर वो जो मुद्दा था, वो जो इशू था, वो पूरी तरीके से भावनात्मक था क्योंकि उसमें फैमिलीज इन्वॉल्व थी। इमोशंस रैन हाई, सही जो फ्रेज है वो है इमोशंस रैन हाई, वहाँ पर भावनाओं का एक युद्ध हो रहा था या भावनाओं का, सारे लोग अपने अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ बोल रहे थे और काफ़ी एक इमोशनल ड्रामा वहाँ पर क्रिएट हो रहा था। तो इमोशंस रैन हाई हम बोलेंगे, रैंग हाई नहीं बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस समय बैंक के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, मतलब जो थ्योरेटिकल ग्रामर पाथ है वो ना के बराबर आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपसे अप्लाइड ग्रामर का या अप्लाइड पोर्शन, इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं उसका एप्लीकेशन का टेस्ट है एक्चुअली बैंकिंग एग्जाम्स में, और ना केवल बैंकिंग एग्जाम्स में बल्कि SSC एग्जाम्स में भी अप्लाइड ग्रामर और अप्लाइड इंग्लिश का ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। यानी थ्योरेटिकल पार्ट को आपको जो अवॉइड करना है और उसके जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं कि इंग्लिश एक्चुअली यूज़ किस तरीके से होती है, उसमें क्या क्या इडियम्स और फ्रेजेस यूज़ होते हैं, तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे यदि आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगेन फिर से वही एप्लीकेशन वाला पाथ आया है जो अभी मैं बता रहा था आपको। वर्क एट ऑल द कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस वॉज पैरालाइज्ड एज लॉयर्स वेंट ऑन ए डे लॉन्ग स्ट्राइक एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। क्या मतलब है इसका, वर्क एट ऑल द कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस थे, यहाँ पर हाई कोर्ट की और उसकी बात हो रही है, जितने भी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें वर्क जो था वो पैरालाइज हो गया था। वर्क चूंकि यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इसमें ये वाज आ रहा है, वॉच के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ रही है, ये पैसिव वॉइस है एक्चुअली ये,
तो वर्क एट ऑल द कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस वॉज पैरालाइज्ड. क्यों पैरालाइज हो गया था वो? एज लॉयर्स वेंट ऑन ए डे लॉन्ग स्ट्राइक, क्योंकि वहां पर जो लॉयर्स थे वो एक दिन की हड़ताल पर चले गए थे. वो हड़ताल किस लिए की थी? वो हड़ताल की थी एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, वो किसी चीज का विरोध कर रहे थे. ठीक है, तो गो ऑन ए स्ट्राइक, गो ऑन ए हॉलीडे, गो ऑन ए वेकेशन. ठीक है, तो ये जो फ्रेजेस हैं, ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ये सही हैं. तो गो ऑन ए डे लॉन्ग स्ट्राइक, ये सही है. ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड. अभी तक हम दो क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं जो नो करेक्शन रिक्वायर्ड हैं. तो हमेशा ये ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं है कि स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में या फ्रीज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में या डबल फ्लर के क्वेश्चन में आपको एरर निकालनी ही हो, उसमें जो सेंटेंस है वो नो करेक्शन रिक्वायर्ड का भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. ये फिलर्स के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से मैं कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल सेड दैट व्हेन द एलिफेंट वर मेड टू. देखिए, वर मेड टू का क्या मतलब है? जैसे यदि मैं बोलूँ मेड टू, हम लगाते हैं जब हम किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए फोर्स करते हैं. आई वॉज मेड टू सिट, मतलब मुझे वहां पर बिठाया गया. आई वॉज मेड टू सिंग, मतलब मुझसे गाना गवाया गया. आई वॉज मेड टू कुक, मतलब मुझसे खाना बनवाया गया. तो एलिफेंट्स वर मेड टू, मतलब उनसे कुछ काम करवाया गया. फ्रॉम देयर ट्रक्स, तो ट्रक से, ट्रक में यदि एलिफेंट है तो ट्रक से वो क्या काम करेंगे? ट्रक से डेफिनेटली उनको नीचे उतारा गया. फॉरेस्ट, क्योंकि यहां पर एक एक प्रपोजिशन लगा है फ्रॉम, इसका मतलब है कि ट्रक से एक मूवमेंट की बात हो रही है. देखिए, ये होते हैं लिंक, ये होते हैं एक्चुअली कीवर्ड्स, कि कीवर्ड से कॉन्टेक्स्ट को किस तरीके से समझना है. फ्रॉम लिखा हुआ है, देखिए, फ्रॉम देयर ट्रक्स. फ्रॉम देयर ट्रक्स मतलब एलिफेंट्स के जो ट्रक्स थे जिसमें उनको ले जाया जा रहा था. तो जब ट्रक एक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर ऑब्वियसली क्या होगा? उन हाथियों को, उन एलिफेंट्स को वहां से उतारा जाएगा. फ्रॉम का मतलब है कि यहां से वो किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं. फ्रॉम दिल्ली टू पटना. ठीक है, तो फ्रॉम का मतलब है कि यहां से वो किसी दूसरी जगह जा रहे हैं. जब किसी दूसरी जगह जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां से उनको उतारा जा रहा है. तो उतारे जाने के लिए यहां पर जंप तो हम बोलेंगे नहीं, मेड टू जंप, कि उनसे जंप लगवाई गई, ये तो सेंसलेस होगा. तो मेड टू अलाइट, मेड टू इंटर नहीं बोल सकते, मेड टू एंटर फ्रॉम नहीं आएगा, गलत हो जाएगा ये. ठीक है, मेड टू एग्जिट, एग्जिट आ सकता है, लेकिन सही जो वर्ड होगा वो होगा अलाइट. क्योंकि गाड़ी से जब कोई सामान को उतारा जाता है या किसी एनिमल को उतारा जाता है तो अलाइट वहां पर सही वर्ड है. वर मेड टू अलाइट, वर मेड टू अलाइट फ्रॉम देयर ट्रक्स, दे वेंट स्ट्रेट टू द स्पॉट वेयर दे हैड बीन टाइड ड्यूरिंग द कैंप. जब हाथियों को उन ट्रक से उतारा गया तो वो डायरेक्टली उस स्पॉट तक गए जहां पर उनको बांधा गया था कैंप के दौरान, कैंपिंग के दौरान. तो टाइट वर्ड भी देखिए कितना सूटेबल है इसमें, अलाइट वर्ड भी कितना सूटेबल है. और यहां पर चूंकि हैड बीन, यहां पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो टाइट इसमें थर्ड फॉर्म है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहां पर अलाइट फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकेंड जो है इसमें सही आंसर है. ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है. चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं. एक्साइज ऑफिशियल्स सीज्ड पाउचेस ऑफ विस्की. एक्साइज ऑफिशियल्स ने सीज किया, उनको अपने कब्जे में लिया, किसको? पाउचेज ऑफ विस्कीज को. कहां से? अ बस, यहां पर फ्रॉम ही आ सकता है, फ्रॉम अ बस. और डेस्टिनेशन तक कोई चीज जाती है जब, फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, तो वहां पर हम टू ही लगा सकते हैं. तो इसमें फ्रॉम एंड टू ही इसमें सही आंसर होंगे. ये रियल क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ ये रियल बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस. तो आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चंस, ये ज़्यादा टफ नहीं है, इनमें तो आप पूरा स्कोर कर सकते हैं. एक्चुअली मेन प्रॉब्लम होती है आपका पैराजम्बल में और पैसेज में, तो वो भी मैं अभी करवाऊंगा आपको इस चैनल पर. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द विक्टिम द इनह्यूमन एंड अनजस्ट एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए, इनह्यूमन या अनजस्ट एटीट्यूड गवर्नमेंट का यदि है तो
तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम तारीफ तो करेंगे नहीं, डेफिनेटली उसकी हम बुराई करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे उसको। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज का इक्विवेलेंट वर्ड आएगा, और क्रिटिसाइज का इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है इसमें, वो है इसमें कंडेम। अपोज नहीं करेंगे हम, अब प्रतिरोध करना एक अलग चीज़ है और बुराई करना या क्रिटिसाइज करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। इनह्यूमन या अनजस्ट एटीट्यूड का विरोध करना थोड़ा सा सेंसलेस होगा, उसको हम कंडेम करेंगे, उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे। अपोज हम किसी पॉलिसी को करते हैं, किसी रूल को हम अपोज करते हैं, ठीक है, किसी लॉ को हम अपोज करते हैं। यहाँ पर इनह्यूमन एंड अनजस्ट एटीट्यूड की बात हो रही है, तो इनह्यूमन एंड अनजस्ट एटीट्यूड को हम कंडेम करेंगे, हम अपोज नहीं करेंगे। अपोज यहाँ पर उतना उतना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द विक्टिम्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो विक्टिम्स के लिए काम कर रहे हैं, विक्टिम्स का मतलब ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई त्रासदी हुई है, कोई दुर्घटना हुई है या दुर्घटना में मारे गए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उनको हम विक्टिम्स बोलते हैं, विक्टिम्स। तो ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर द विक्टिम्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो विक्टिम्स के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंडेम किया किस चीज़ को, इनह्यूमन एंड अनजस्ट एटीट्यूड को जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आ कॉलिजन बिटवीन टू टू बसेस है, एक्चुअली ये इसको बस पढ़िए, BUSES। कॉलिजन का मतलब होता है टकराना, आमने सामने की जो भिड़ंत होती है, दैट इज कॉल्ड कॉलिजन, कॉलाइट इसका वर्ब फॉर्म है। अ कॉलिजन बिटवीन टू बसेस, तो यहां पर क्या आ सकता है, 6 people dead। तो इसमें हम रेंडर लगा सकते हैं, रेंडर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी सिचुएशन में ले जाना, तो रेंडर्ड 6 people dead, और रेंडर्ड इसमें नहीं है तो उसकी जगह हम लगा सकते हैं लेफ्ट, लेफ्ट 6 people dead इंक्लूडिंग द ड्राइवर ऑफ वन ऑफ द बसेस। तो सेकेंड इसमें आपका सही आंसर है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोर्ट, रिवेन्यू अथॉरिटीज एंड PCB ऑफिशियल्स, कोर्ट कोर्ट अथॉरिटी से किस तरीके से रिलेटेड है, या कोर्ट ऑफिशियल से किस तरीके से रिलेटेड है। कोर्ट अथॉरिटीज को या ऑफिशियल्स को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, उनको ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर्ड, तो आई ऑर्डर्ड यहाँ पर है नहीं, कमांडेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ऑफिशियल्स टू फॉर्म टीम्स एंड विजिट फार्मा यूनिट्स। देखिए जब गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल्स किसी यूनिट को विजिट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक टीम बनाई जाती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली फॉर्म सही रहेगा, फॉर्म टीम्स एंड विजिट फार्मा यूनिट्स, और यहाँ पर डायरेक्टेड सही रहेगा। तो डायरेक्टेड एंड फॉर्म सही है, यहाँ पर कमांडेड भी सही हो सकता था, लेकिन कमांडेड के साथ ये डिस्प्ले जो है ये सही नहीं है, और रूल्ड नहीं आएगा, टोल्ड भी नहीं आएगा इसमें, टोल्ड तो हम कॉमन जनरल सेंस में बात करते हैं, कोर्ट अथॉरिटी को कमांड करेगा या डायरेक्ट करेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है इसमें ये इसमें सही आंसर होगा। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये रियल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में, जो फोर्थ कमिंग एग्जाम्स है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, बैंक PO में, बैंक क्लर्क में। और अभी आप प्री की तैयारी कर रहे होंगे, SBI के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके बाद प्री के एग्ज़ाम के बाद मैं मेंस लेवल के क्वेश्चंस इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर अपलोड करूंगा, और वो आपके लिए हाईली यूजफुल रहेंगे। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी सभी को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी बेनिफिट कर सकें इस चैनल से। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।